हेलो क्लास सेवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है और एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस सिंबॉलिक पिक्चर एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हो, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो बताना है। हाउ डू दीज थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड हैं। डू ह्यूमंस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस सिस्टम, क्या इस सिस्टम पर ह्यूमंस का यानी इंसान का, आदमी का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, कोई असर होता है। विच इको सिस्टम इज दिस, ये कौन सा इको सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will see many different things, both natural and man-made. जब आप अपने चारों ओर देखते हो तो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखोगे, जिसमें से both natural and man-made, जिसमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ man-made, यानी आदमी ने बनाई है, वो चीज़ें भी आप देखते हो और natural चीज़ें भी आप देखते हो। Everything around you constitutes your environment. Everything around you, आपके चारों ओर जो सब कुछ है वो सब मिलकर क्या बनाता है, आपका environment बनाता है, वो आपका सब पर्यावरण है। The natural environment includes a large number of living things and non-living things. Natural environment के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएँ आती हैं। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स पर्यावरण के जैविक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस। ये कौन कौन से हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सूक्ष्मदर्शी जीव यानी जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं छोटे, एंड ह्यूमंस। ये चार चीज़ें हैं जो क्या हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। The non-living natural things are called the abiotic component and these include land, soil, rocks, air, water, etc. जो निर्जीव चीज़ें हैं उन सबको क्या कहा जाता है, abiotic component, यानी कि निर्जीव। ठीक है, तो जैविक और अजैविक, ये जैविक और ये अजैविक। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, लैंड, ज़मीन, सॉयल, मिट्टी, रॉक्स, चट्टाने, एयर, हवा और वाटर, पानी। ये सब चीज़ें क्या है, निर्जीव, और ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी वो थी सजीव। द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स आर, सॉरी, मैन मेड एनवायरनमेंट कंप्रिजेस ऑफ थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन विद ईच विद अदर बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स। मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती, किस किस से बना हुआ है मैन मेड एनवायरनमेंट, कंप्रिजेस ऑफ थिंग्स, वो उन चीज़ों से बना है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो आदमी के द्वारा क्रिएट की गई हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट तो नेचुरल चीज़ों से बना है, और जो मैन मेड एनवायरनमेंट है वो उन चीज़ों से बना है जो आदमी ने क्रिएट की हैं। ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन, उनका क्या होता है, पारस्परिक क्रिया होती है दूसरे जैविक और अजैविक चीज़ों के साथ में। ठीक है, सजीव और निर्जीव चीज़ों के साथ में उनकी पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जैसे क्रिया होकर आपस में जैविक और अजैविक चीज़ें मिलके क्या करती हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोशल सिस्टम सच एज फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। तो मैन मेड चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे बिल्डिंग आदमी ने बनाई है, ब्रिज आदमी ने बनाए हैं, फैक्ट्रीज भी, मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन में यातायात के सारे साधन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल सिस्टम में सामाजिक सिस्टम आता है जिसमें हमने परिवार बनाए हैं, समाज बनाया है, धर्म बनाए हैं, शिक्षा बनाई है, राजनीति और आर्थिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट की थिंग्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं, दिस एनवायरनमेंट ऑन अर्थ सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड थस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट सपोर्ट आवर एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट ऑन अर्थ, धरती पर इस एनवायरनमेंट में सारी लाइफ की जो फॉर्म्स है वो सब इसी के अंदर मिली हुई हैं। एंड थस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को समझा जाए, दैट सपोर्ट आवर एनवायरनमेंट, जो प्रोसेस हमारे इस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं। द वर्ड एनवायरनमेंट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड
इवेरन मीनिंग नेबरहुड, जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मतलब है नेबरहुड यानी अपना आस पड़ोस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। द लैंड वाटर एयर एनिमल्स एंड प्लांट्स कंप्रेस नेचर, ज़मीन पानी हवा एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर क्या बनाते हैं, नेचर का निर्माण करते हैं, यानी इन सब चीज़ों से मिलकर नेचर बना है। दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ ग्रुप्ड इन टू वेरियस डोमेन्स, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत सारे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। द फॉलोइंग थ्री डोमेन्स इंट्रैक्ट टू फॉर्म द बायोस्फेयर इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, ये तीन वर्ग हैं जिनमें आपस में प्रक्रिया क्रिया होती है और इनके अंदर बायोस्फेयर बायोस्फेयर बनता है उस पारस्परिक क्रिया से इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारी सारी लाइफ की जो फॉर्म्स हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। यानी बायोस्फेयर का निर्माण तीन वर्गों के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से बनता है होता है और इसके अंदर लाइफ की बहुत सारी फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। ओके, दिस इज़ द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, ये जो है वो हमारी अर्थ के सरफेस की सबसे सॉलिड और टॉप लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है, इसे अर्थ की पृष्ठभाग भी कहा जाता है, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ का पृष्ठभाग भी कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विद अ थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, ये किससे बना होता है, चट्टानों और खनिज पदार्थों से बना है, विद अ थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, इसके ऊपर क्या है, पतली मिट्टी से इसको कवर किया गया, यानी ऊपर मिट्टी है और नीचे इसके क्या पाए जाते हैं, रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। द लिथोस्फीयर इज़ इररेगुलर इन शेप एंड हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स प्लेन्स वैलीज प्लेट्यूज एट्सेट्रा, जो लिथोस्फीयर है उसकी जो बनावट है शेप जो है वो इररेगुलर है, यानी एक जैसी नहीं है, अनियमित है, टेढ़ी मेढ़ी है, और इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पठार हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लेइंग बिलो द ओशन इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर, इस क्रस्ट का वो हिस्सा जो समुद्र के नीचे पाया जाता है उसे ओशन फ्लोर कहते हैं, यानी समुद्र का फर्श कहते हैं। विच अगेन इज अनइवन, वो भी क्या होता है, फिर अनइवन ही है, यानी सब जगह एक जैसा वो भी नहीं है, वो भी अलग अलग है, कहीं ऊंचा नीचा हर जगह ऐसा ही है। ठीक है, नॉट फ्लैट, यानी वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऊंचा नीचा है, वो भी उबड़ खाबड़ है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विद मिनरल वेल्थ, ग्रास लैंड्स, फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर जो है वो हमें एक तो खनिज संपदा प्राप्त करवा प्रोवाइड करवाता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करवाता है, जंगल प्रोवाइड करवाता है, एग्रीकल्चरल लैंड खेती के लिए ज़मीन प्रोवाइड करवाता है और आदमी के सेटलमेंट के लिए भी भूमि उपलब्ध करवाता है। ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर में मिलती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, अर्थ का वो पार्ट जो पानी से कवर है, पानी है जिसके ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, इसके अंदर हर तरीके की वाटर बॉडी को इंक्लूड किया गया है, सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स वाटर विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमें पानी उपलब्ध करवाता है जो हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटमोसफियर के बारे में। द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर, अर्थ के चारों ओर जो हवा की थिक लेयर मिलती है उसे एटमोसफियर कहा जाता है। द एयर इज अ मिक्स ऑफ गैसेज विद चेंज इन क्वांटिटी विद इंक्रीज एटीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एयर जो है वो गैसेज का मिक्सचर है, यानी एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसें मिली हुई हैं जिसकी क्वांटिटी, गैसेज की क्वांटिटी क्या हो जाती है, अर्थ सरफेस से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी में इंक्रीजिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है, सॉरी, इसकी क्वांटिटी बदलती रहती है। द एटमोसफियर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एटमोसफियर जो है वो अर्थ के चारों ओर किस वजह से बंधा हुआ है, उसकी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, यानी उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एटमोसफियर अर्थ के चारों ओर टिका हुआ है। बिसाइड्स वेरियस गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड हाइड्रोजन एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमोसफियर ऑल्सो कंटेंट्स डस्ट एंड वाटर वेपर। ठीक है, बहुत सारी गैसेज के
अलावा जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और हाइड्रोजन, ये कहाँ पाई जाती हैं? एट हायर एल्टीट्यूड यानी ऊंचे स्थानों पर। द एटमोसफेयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। इन सब गैसों के बावजूद इसके अंदर क्या होता है? डस्ट यानी धूल के और पानी के कण मौजूद होते हैं। चेंजेस इन एटमोसफेयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। एटमोसफेयर में बदलाव किस पर प्रभाव डालते हैं? वेदर, मौसम और जलवायु पर असर डालते हैं। द एटमोसफेयर ऑल्सो वर्क्स एज अ शेड फॉर द अर्थ, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट ऑन द अर्थ सरफेस। जो एटमोसफेयर है वो अर्थ के लिए एक ढाल का काम करता है, इसे हार्मफुल सूरज की जो खतरनाक किरणें हैं, हानिकारक जो किरणें हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है एंड और अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी सूरज का जो टेम्परेचर है उसे अर्थ पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन देखते हैं, सजीव और निर्जीव चीज़ों में पारस्परिक क्रियाएं देखते हैं कैसे होती हैं। ओके, तो बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड चेंज विद टाइम। बायोटिक और अबायोटिक तत्वों के बीच में एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक तत्वों के बीच में इंटरेक्शन होता है आपस में, ठीक है, प्रतिक्रियाएं होती हैं चेंज विद टाइम और समय के साथ बदलती हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर। ये दोनों एलिमेंट्स ही प्रकृति से क्या हैं? सक्रिय हैं यानी गतिमान हैं। चेंजेस इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट आर कास्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन। जो एबायोटिक यानी अजैविक जो तत्व हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट में बदलाव किसका कारण होता है? सन की जो एनर्जी है उसका कारण बनता है, एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। लगातार हवा और पानी के सर्कुलेशन में, लगातार हवा और पानी में जब सर्कुलेशन होता रहता है तो सीजनल और क्लाइमेटिक बदलाव आते हैं, यानी मौसमी और जलवायु से रिलेटेड बदलाव आते हैं। दीज क्लाइमेटिक चेंजेस इन्फ्लुएंस द बायोटिक एलिमेंट्स। ये जलवायवीय बदलाव इस पर असर डालते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स पर असर डालते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन लैंड, एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स, एनिमल्स और आदमी किस पर डिपेंड करते हैं जीने के लिए? ज़मीन, हवा और पानी पे निर्भर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अबायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो काज न्यू स्पाइसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इवॉल्व, ठीक है। जो एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो नए प्लांट्स की नई प्रजातियां और एनिमल्स की नई प्रजातियों को विकसित करने का भी कारण बनते हैं। व्हाइल ओल्ड स्पाइसेस बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन दे फेल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जबकि वो पुरानी प्रजातियों के विनाश का या पुरानी प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण भी बनते हैं। व्हेन दे फेल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब वो क्या हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर के बदलाव के अनुकूल होने में फेल हो जाते हैं। इन द सेम वे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस चेंज इन द अबायोटिक एनवायरमेंट। इनके साथ साथ इसी तरीके से आदमी के द्वारा की गई कुछ क्रियाएं जैसे कि माइनिंग, खाने खोदना, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, एग्रीकल्चर करना, ये इन सब चीज़ों का असर भी किस पे पड़ता है? चेंज इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट, ये भी किसमें बदलाव लाने का कारण बनते हैं? अबायोटिक एनवायरनमेंट में बदलाव लाते हैं। दीज इंट्रैक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ सोयल वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरीके से जैविक और अजैविक पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसका रिजल्ट हमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी और वहाँ पे वनस्पति कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग जगह पे अलग तरीके के एनिमल्स का मिलना, अलग अलग तरीके के प्लांट्स का मिलना, इन चीज़ों का हमें रिजल्ट के रूप में हमें ये चीज़ें फिर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है द बायोस्फीयर। द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड वेयर लिविंग बींग सर्वाइव एंड फ्लोरिश इज कॉल्ड द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। एक स्मॉल जोन है जिसके अंदर इंट्रैक्शन होता है आपस में, किसके बीच में? हवा, पानी और ज़मीन के बीच में इंट्रैक्शन होने का एक छोटा सा जोन है जहाँ पे लिविंग बींग्स, सजीव वस्तुएं, सजीव प्राणी सर्वाइव करते हैं यानी जीवित रहते हैं और वहाँ पे समृद्ध होते हैं यानी फलते फूलते हैं। इज कॉल्ड द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, उसे बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड कह सकते हैं।
द बायोस्फीयर इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का एक यूनिक फीचर है, यानी सबसे अद्भुत फीचर है। एज इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि ये पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ संभव है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर जो है वो हर तरीके की लाइफ की फॉर्म को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, और जीवन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड हैं। आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बायोस्फीयर के क्षेत्र के बाहर जाने पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द बायोस्फीयर इज़ कंप्रेस्ड आउट टू मेजर एलिमेंट्स। बायोस्फीयर जो है वो दो मेजर एलिमेंट्स का मिश्रण है, यानी ये दो चीज़ों से बना है। द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो चीज़ें उत्पादित करते हैं, एंड द कंज्यूमर्स उपभोक्ता जो उनका उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स उन्हें कहा जाता है जो अपने आप अपना भोजन डायरेक्टली अबायोटिक एलिमेंट्स से और एनवायरनमेंट से बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद एनवायरनमेंट में रहकर एनवायरनमेंट से बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, विच इंक्लूड कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी जीव जो हैं, वो अपना खाना डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर पाते एनवायरनमेंट से, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, विच इंक्लूड कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जिन्हें कंज्यूमर्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो भी क्या है, कंज्यूमर्स हैं, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स यानी जीव भी क्या है, कंज्यूमर्स हैं। दीज कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। इन कंज्यूमर्स को क्या कहा जाता है, शाक भक्षी और मांस भक्षी दो तरीके के होते हैं, एक वो जो शाकाहारी होते हैं और एक वो जो मांसाहारी होते हैं। प्लांट ईटर सच एज कैटल डियर एलिफेंट एटसेट्रा आर हर्बीवर्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट ईटर्स जो पौधे खाते हैं, जैसे कि कैटल, मवेशी पशु, डियर, एलिफेंट, ये सारे क्या हैं, शाकभक्षी हैं। वाइल फ्लैश ईटर्स लाइक लॉयन, लियोपर्ड, वोल्फ एंड हैना एटसेट्रा आर कॉर्निवर्स। जो मांस खाने वाले जैसे लॉयन, लियोपर्ड, वोल्फ, हैना, ये सब क्या हैं, मांसभक्षी हैं। ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। ओमनिवर्स यानी सर्वभक्षी, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस और प्लांट्स खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्रो, बियर, ह्यूमंस एटसेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर एंड विद द अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। जो इकोसिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंट्रैक्शन से क्रिएट होता है। किसके इंट्रैक्शन से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, एंड विद द अबायोटिक एलिमेंट्स और एनवायरनमेंट के जो अजैविक तत्व हैं उनके साथ भी वो क्रिया करते हैं, इन विच दे लिव, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उनके साथ आपस में क्रिया करते हैं, तो इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जैसे ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और उनके चारों ओर जो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है वो उस पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, वेरियस ecosystems are deserts, mountains, forests, grasslands, rivers, oceans and even small lakes and ponds. काफ़ी सारे जो ecosystems हैं उनमें जैसे है desert है, पहाड़ है, जंगल हैं, grasslands हैं, rivers हैं, oceans and even also lakes और